तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली वन चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं टुप। ये तो मेरी लाइन है, तो टुप हो जाए, ठीक है ना? तो माफ करते हैं, तो चलते हैं आगे। तो आज हम बनाने वाले हैं क्या बनाने वाले हैं? एक्सपी फॉर्म। हाँ, हम बनाने वाले हैं एक्सपी फॉर्म। तो उससे क्या होगा, उससे ना हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमें एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा। तो उससे पहले थोड़ा सो जाते हैं क्योंकि जरूरी है ना। वैसे बबलू जी, मैं आपको बता दूं कि जनता ने मेरे को ही बोलने के लिए बोला। माफ कीजिए, आप भी बोलिए बीच बीच में। तो ये है चिकन फार्म, है ना? चिकन फार्म नहीं, एग फार्म। और इसको एग फार्म भी बोल सकते हैं। और हम ये जो कोविड स्टोन है ना बबलू जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो, जरूर पूछो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद। अच्छा, कितनी देर बाद? नहीं बता रहा, बोल क्या कर ले अबे। तब तेरे को एक बार बोल दिया है कि वीडियो खत्म होने के बाद, तब तुझको फिर दोबारा बोलना पड़ेगा वीडियो खत्म होने के बाद, उसके बाद फिर बोलूंगा वीडियो खत्म होने के बाद, और उसके बाद भी तेरा जवाब और मतलब आंसर, अरे उत्तर तो है क्या? क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन तेरा वही रहेगा। आप तो सही है। हाँ, तो तेरा क्वेश्चन वही रहेगा जो कि तूने अभी बोला। क्या बोला? कितनी देर बाद? हाँ, कितनी देर बाद, और तू यही बोलता रहेगा बार बार कितनी देर बाद, और मैं बताता रहूंगा वीडियो खत्म होने के बाद, और यही खेलते रहेंगे क्योंकि हम पागल हैं। नहीं नहीं नहीं, हम पागल हैं। एक और बार ठीक है, साथ में बोलेंगे। हम पागल हैं। अरे वाह, मजा आया है ना? हाँ बिल्कुल मजा आया। ठीक है, एक और बार करते हैं, ठीक है? नहीं करना चाहिए, है ना? क्या है ना, ये सब चीजें बेकार होती हैं, हमें सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, है ना? पढ़ाई को मारो गोली, हम खेलेंगे होली। नहीं तू अब चला ही दे। नहीं नहीं, अब तू चला ही दे, बहुत देर हो गई। क्या चला दे, किसकी बात कर रहे हो? गोली की। और किसकी? क्या गोली की? अरे पागल हो क्या आप? नहीं नहीं, पागल हो क्या? मेरे फोन की नोटिफिकेशन ट्यून थी वो। क्या? तो हमें मिल गया है डायमंड पिकैक्स स्पेड सिल्क टच, तो सही है। और क्या है, 10 एक्सपीरियंस लगे हैं और कोई ज्यादा चीज थोड़ी ना लगी है। तो सिल्क टच का फायदा क्या है? सिल्क टच का नहीं, सिल्क टच का क्या फायदा बता देते हैं। तो जो आपको व्हाइट कांच दिख रहे हैं, इनको जब आप तोड़ोगे किसी भी चीज से तो ये टूट ही जाएंगे, पर आप सिल्क टच से तोड़ोगे तो ये आपको वापस मिल जाएंगे। तो जैसे ही आपको मिल जाए तो वापस लगा देना। तो यहाँ पे हमने फर्नेस में कोबल स्टोन डाल दिए हैं और इससे हमें स्टोन मिल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, बस लुक बढ़िया होता है और कुछ नहीं होता। क्यों बबलू जी? बिल्कुल सही, 100% सही। क्योंकि मेरे गांव में ना एक बार वो था जो कि मैं बता रहा हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो। तो बबलू जी, क्या हम बहरे हैं? नहीं, कैसे, कितनी बार बोला है, तू बीच में मत बोला कर, जब भी तू बोलता है मैं आगे की लाइन भूल जाता हूँ। तो उससे क्या होता है? अभी बताऊं तेरे को उससे क्या होता है, बार बार पूछता है उससे क्या होता है। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो हम नीचे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पास सिल्क टच है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट स्टोन तोड़ सकते हैं, तो इससे मतलब हमारे पास टाइम भी बचेगा और हमारे कोल भी बच जाएंगे। तो फायदा ही देखते हैं हम, और कुछ नहीं देखते। और इसके फायदे के साथ एक इसका नुकसान भी है कि हमें कोबल स्टोन नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कम रेसिपी होती है स्टोन से चीजें बनाने में। और बाकी मुझे नीचे थोड़ी सी गुफा टाइप में कुछ दिख रहा है, तो इसको आराम से चलते हैं एक बार नीचे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयरन भी है, तो आयरन तो है पर इसको ले लेते हैं। तो हमें आयरन का ब्लॉक मिलेगा, और वैसे भी किसी भी पिकैक्स से तोड़ोगे तो ब्लॉक ही मिलता है, तो जो कि वो होते हैं रेड स्टोन ब्लॉक, वो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा अगर हम सिल्क टच। अरे तेरी तो जीब लपलपा गई। तो क्या हुआ, मैं वापस बोल दूँ सिल्क टच? नहीं अब ठीक है। वैसे हम आए तो थे स्टोन लेने और ले जा रहे हैं आयरन, वैसे ठीक है, फायदा भी है। तो फायदा है तो हमें ये काम तो जरूर करना है। देखिए आयरन तो खत्म ही नहीं हो रहा है, स्टैक हो जाएगा मेरे ख्याल से इस बार। तो यहाँ पे अभी भी है जो कि देख सकते हो, मतलब देख सकते हो। थोड़ा कम हंसो बबलू जी। अरे मैं तेरी बात पे थोड़ी ना हंस रहा हूँ, मेरे को ना कबीर का दोहा याद आ गया, और सच बताऊँ वो बहुत ही मजाकिया था। नहीं बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ आप किस चीज पे हंस रहे हो और आपके सारे इरादे जानते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे स्टोन पक्के तैयार हो गए हैं, तो ये भी हो गया है और ये भी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास काफी सारे हो गए हैं स्टोन, कुछ नीचे से ले आए और कुछ यहीं पे मिल गए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना कोल डाल देते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है अभी, और ये आयरन ओर नहीं सॉरी कोल ओर है, आयरन ओर तो अब डालते हैं आइटम होपर में, तो इसमें डाल देते हैं। तो आइटम होपर में डालो या चेस्ट पे डालो, कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें।
तो सुबह हो गई है तो चलते हैं अपने एक्सी फार्म के लिए जगह ढूंढने। तो हम पहले बबलू जी की राय ले लेते हैं इसमें कि बबलू जी हमें एक्सी फार्म कहाँ बनाना चाहिए। टेट पर दो रास्ते हैं, या तो तू घर के आसपास बना ले या एक्सी फार्म के पास आसपास घर बना ले। बिल्कुल समझ गए बबलू जी, बिल्कुल समझ गए। अरे समझना कैसे नीता, हमने सिखा, अरे मतलब हमने बताया है। तो इन सभी बातों को छोड़ के हम अपना एक्सपी फार्म बना रहे हैं अपने घर के सामने। तो इसके लिए हमें बस ये पेड़ तोड़ना पड़ेगा जो कि तोड़ ही दिया है, थोड़ा सा रह गया है। तो यह केशिया का वुड है, वुड नहीं मतलब ट्री। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि हम यहीं पे बनाने वाले हैं, और एक नहीं बनाएंगे हम दो बनाएंगे एक्सपी फार्म। तो उस फार्म का मतलब थोड़ा उसका वैसा है सिस्टम, जैसे कि कोई हॉल होता है तो उसके अंदर अंधेरा हो जाता है, तब उसके अंदर ज़ोंबी स्पॉन होने लग जाते हैं। तो वही सिस्टम हम इसमें लगाएंगे और बाकी इस डर्ट को भी सुधारेंगे। तो ठीक है, हमारा काम बस यहाँ से शुरू होगा। तो कहाँ से एक ब्लॉक, मतलब थोड़ा सा हमें चाहिए, मतलब 5 ब्लॉक तो चाहिए उसकी लंबाई। तो ये यहाँ से ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ से ठीक है, एक्यूरेट है। तो हमें बस थोड़ा सा गैप चाहिए, मतलब थोड़ा 5 या 6 ब्लॉक का मतलब स्पेस लेने के बाद हमें दोनों की तरफ बार बनानी है। तो इन्हीं बारों के ऊपर हम थोड़ा सा महल खड़ा कर देंगे तो सही रहेगा, और क्या। तो बस ये हो गया है बिल्कुल सीधा। तो ये 8 ब्लॉक की वो होनी चाहिए इन ब्लॉकों की लेंथ। तो ये एक सेकंड, अरे भाई गलती तो ज़रूरी है। तो ठीक है, अपने साथ मैं सिल्क टच भी ला रखा हूँ जो कि मुझे पता नहीं था, पर आ गया तो क्या कर सकते हैं। तो बस ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बस हमें इसके ऊपर जाके 1-2 ब्लॉक और लगाने, वैसे 2 काफ़ी होंगे। तो बस ऐसे करके हमें सीधी लाइन बिछानी है इसके ऊपर। तो बस एक दो रह रहे यहाँ पे। तो पूरा बनाने के बाद, मतलब आधा बनाने के बाद कुछ ऐसा होगा, और इसके ऊपर हम लगाएंगे सैंड कट, मतलब सैंडस्टोन कट या कट सैंडस्टोन, अरे जो भी नाम हो उसका। तो बस ये ऐसे बिछाना है हमें एक एक लाइन, और इसके बाद हमें ऊपर से मतलब वापस हमें वही लगाना है स्टोन इसकी पूरी छत पे। तो इसको बस कवर कर देंगे उसी स्टोन से, तो बस हो जाएगा हमारा काम। और बस हमें मिलेंगे ज़ोंबी, और उसके साथ मिलेगा हमें सामान, तो बहुत कम मिलेगा हमें, वैसे ज़्यादातर चीज़ें मिलेंगी वो है एक्सपीरियंस जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये दूसरी बार ऐसा बनेगा, मतलब दूसरी बार ऐसा दिखेगा। और यहाँ से अपनी बकेट भर लेते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा हमें, बस इसी का तो काम है सारा। क्योंकि यार जब हम ज़ोंबी आएंगे तो उन्हें इधर इस तरफ जो हमारी तरफ है, जहाँ पे हम गेट, मतलब गेट नहीं थोड़ा सा खोल के रखेंगे जहाँ पे हम बंदों को मार सके, तो उस तरफ लाने के लिए हमें पानी की जरूरत तो पड़ेगी। और बाकी इसका सिस्टम मुझे समझ नहीं आता, मतलब जब भी मैं पानी लेता हूँ ये शुगर केन अपने आप टूट जाते हैं। तो कोई नहीं, हमें यहाँ से बस लेना है पानी और बस किनारे किनारे डाल देना है। तो ये 8 ब्लॉक का मैंने इसलिए बताया था ताकि ये वापस पानी नीचे आ ना सके। तो बस ये एक और हो गया है, और हमें 1 बाल्टी और चाहिए। तो यहाँ से हम पानी भर लेते हैं वापस, तो बस यहाँ पे डाल देना है और ये कंप्लीट हो गया, और ये जो नीचे बाढ़ आई है वापस चली जाएगी। तो ठीक है, तो हमारा काम आधे से ज़्यादा हो गया है, हमें बस ऊपर बस अब स्टोन बिछाना है जो कि आप देख ही सकते हो मैं बिछा रहा हूँ। तो बस ऐसे एक एक करके, मतलब पूरे में बिछाना है एक एक करके या दो दो करके, आपकी जैसी मन करे वैसे भर दो। तो बस आपको ये स्टोन लगा देना है और आपका ये पूरी दुकान तैयार हो जाएगी, और आपको बस बैठना है और बंदों को तोड़ना है और उनसे एक्सपीरियंस छीन लेना है, और सामान भी आपका मन करे तो ले लेना है। और इसके अंदर मतलब ज़रूरी नहीं है आप स्टोन ही इस्तेमाल करो, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि टेराकोटा या और भी बढ़िया ब्लॉक्स होते हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसके ऊपर छत लगाने में या नीचे कुछ भी करने में। तो यहाँ पे हम कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं जो कि स्टोन ब्रिक्स है। यार ये बहुत बढ़िया लगती है दिखने में, तो इसलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि इसका लुक बढ़िया हो जाए। तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा यहाँ वहाँ तोड़ के आगे आगे लगा दूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा तो है नहीं, तो बस एक बार देख लेते हैं। तो लुक थोड़ा बहुत तो सही लग रहा है, और देख लेते हैं अभी इसको भी तोड़ लेके। तो ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे पूरे पे लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी लगा लेते हैं जल्दी से दोनों तरफ, तो एक और इस तरफ भी। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पे अब करना है इनको भी तोड़ देना है, और यहाँ पे भी लगा लेना है स्टोन ब्रिक्स जो कि ज़रूरी है। तो बस 1-2-3 करके लगा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रेडी, जो कि बढ़िया लग रहा है आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। तो हम एक और चीज़ बना लेते हैं जो कि ज़रूरी है, जिसका नाम क्राफ्टिंग टेबल है, क्योंकि हम बना रहे हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास अभी है नहीं, और हम वापस घर जाना नहीं चाहते क्योंकि अभी हम बहुत दूर आ गए हैं। तो तैयार होने के बाद इसमें काम क्या करना है, हमें बस थोड़े प्लैंक बना लेना है, और ये बना लेना है जो कि ज़रूरी है स्टोन ब्रिक्स स्लैब।
तो इसका फायदा यह है कि बस हमें यहाँ पे लगा देना है नीचे नीचे, क्योंकि जब भी तेरा जी चाहे तू पास मेरे आ जाना, क्या मस्त गाया है आपने गाना। अब आगे बोलो बोलो। तेरा नहीं जरूरी है ये सब मुझे बताना। अब बोलिए। अच्छा ऐसी बात। और है? मास्टर भी कहे इसको ना तुम पढ़ाना। देख रहे अब तू गलत जा रहा है, अब आपको आगे बनाने को कुछ है नहीं इसलिए जलो मत। अच्छा ऐसा है तो ठीक है आप जीत गए हो, पर ये सब बताओ कि आपको ये सिखाया किसने? बेटा ये सब तो राज की बात है। राज तो वही तो जानना चाहते हैं, वो राज है क्या? अरे वो नीली है ना, मतलब लिली है ना। हाँ तो वो ना बेसिकली, अरे मतलब बेसिकली वो ना सिंगर है। अच्छा तभी मैं बोलूं फटे ढोल की आवाज एकदम से कोयल में क्यों बदल गई? तो इसकी वजह ये है। तो इतनी रात हो गई है और अभी तक ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं हो रहे हैं इसके अंदर, तो शायद इसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि हमने यहाँ पे टॉर्च लगा रखी है, ये इसकी वजह हो सकती है, और दूसरा हम यहाँ खड़े हैं, तो इसीलिए चलते हैं सोने। तो यहाँ पे भी वही सेम क्राइटेरिया लगाना है जो कि फर्स्ट एक्सपी फार्म में लगाया था। तो पहले यहाँ पे हम पेड़ तोड़ लेते हैं क्योंकि इसको बीच में या इसका बीच में आना सही नहीं है दोनों एक्सपी फार्म के। तो यहाँ से भी हमें ऐसे ही करना है, बिल्कुल सीधी सीधी बार बनानी है। तो जैसा कि वैसा किया है वैसा कि ऐसे मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा ही वैसा करना है। तो ठीक है यहाँ पे बस थोड़ा पेड़ आ गया है और इसको हटा देते हैं, जो कि ये बुशेज हैं, क्या नाम है इसका, हाँ बुशेज, तो जो भी नाम है इसका हटा देते हैं। तो बस हमें यहाँ पे डर्ट लगानी है और सब जगह डर्ट लगानी है, डर्ट से याद आया तो सब जगह डर्ट लगा देते हैं जल्दी से, जितनी भी जल्दी हो सके। तो बस एक एक करके लगाएंगे और जितनी डर्ट लग सके उतनी लगा देते हैं, क्योंकि मेरे पास और ज़्यादा है नहीं, अभी मेरे पास नहीं है, बाकी घर पर तो है। तो यहाँ पे भी हो गया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह लगाना है। और ओ ठीक है हमारा बिल्कुल भाई बिल्कुल वही हिसाब बना है, तो बाकी इसको भी तोड़ दे देंगे और ये लो पूरा क्लियर काम हो गया, मतलब पूरा, अरे रुक जा, ठीक है तो ये हो गया पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब अभी करना बाकी है। तो जो कि यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा इतना ही गहरा यहाँ पे भी है, तो बस करना क्या है हमें यहाँ पे भी स्टोन लगाना है एक जंप करके और आराम से लगाना है, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। तो बस हमें सीधे सीधे लगाने हैं और कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है यहाँ पे हो चुका है और इसके बाद हमें आई थिंक एक और ब्लॉक लगाना पड़ेगा। तो ठीक है एक और लगा देते हैं लेयर, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे मैं डर्ट लगाना भूल गया। तो कोई नहीं हमारे स्टोन वेस्ट होंगे, वेस्ट नहीं होंगे यार, वो उसका भी यूटिलाइज हो रहा है, मतलब यूज़ हो रहा है, तो ठीक है जितना भी हो रहा है ठीक है। तो बस इसको लगाएंगे दोबारा वैसे ही जैसा वहाँ पे लगाया है। तो बस ये जल्दी जल्दी हो गया और ये भी हो गया, बस ठीक है अब हम यहाँ पे लगाएंगे सैंड कट स्टोन कट स्टैंड जो भी है इसका, तो इसको लगाने पे ध्यान देते हैं ना कि इसके नाम पे। तो ठीक है इसको लगाने के लिए हमें बस जंप करना पड़ेगा और लगा देंगे बस, ठीक है। तो बस ऐसे ही लगाते हुए चलते हैं सीधे सीधे, और मुझे लगता है इसका थोड़ा पैटर्न चेंज है क्योंकि ये कट वाला नहीं है, ये पूरा ही सैंड स्टोन है। तो कोई नहीं यही लगा देते हैं अभी फिलहाल, तो फलाल जलाल जो भी है। तो बस यहाँ पे क्राउच होकर लगाना है और बस और क्या करना है। तो हमारे पास स्टोन खत्म हो गए हैं, तो इस भट्टी में दोबारा बंद कर देते हैं कोई चीज नहीं होती। और बाकी हम थोड़ी पिकैक्स की मदद भी लेंगे जो कि सिल्क टच है, बाकी इसके अंदर मेरे को मेंडिंग लगानी पड़ेगी क्योंकि हम ज्यादा इस्तेमाल इसी का कर रहे हैं और करना भी चाहिए क्योंकि ये बढ़िया चीज है। तो अब हमें जगह ढूंढनी है जहाँ से हमें स्टोन लेना है, तो स्टोन अभी हमने यहाँ से ले चुके हैं और नीचे से बढ़िया यहीं लगा देते हैं, मतलब यहीं से तोड़ लेते हैं, लगाना कुछ नहीं है बस तोड़ना है। तो ठीक है बस ऐसे ऐसे करते हुए हमें सारे स्टोन निकाल लेने हैं जहाँ से भी, मतलब रैंडमली कहीं पे भी खुदाई कर देनी है। तो ठीक है हमारे पास अभी कुछ भी नहीं आया है, हमें बस टॉर्च की आवश्यकता है और लगा देते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा उजाला। ओ भाई यहाँ पे तो मतलब दोनों जगह मेरे को गुफाएं मिली है, तो इनको ही करेंगे एक दिन माइनिंग सेशन करेंगे इसका भी, तो इसको बस उड़ा लेते हैं। और यहाँ पे आयरन, तो भाई पहले भी आयरन मिले थे, इस बार भी आयरन मिल गए, ठीक है आयरन भी। तो होता क्या है वो मैं बता देता हूँ, जब भी हम तोड़ने आते हैं स्टोन तो हमें मिलते हैं आयरन ओर, और जब हम ढूंढने आते हैं आयरन ओर तो मिलता है हमें कुछ और, जैसे कि सबसे रेयर हमें डर्ट मिल जाती है, ग्रेवल मिल जाता है एंड साइट मिल जाते हैं, और सबसे जरूरी चीज जो कि माइनक्राफ्ट में कम ही लोगों को मिलती है, जिसका नाम है कोबलस्टोन। जी हाँ ये है हमारी सच्चाई। तो मुझे लगता है स्टोन काफी होंगे आज के लिए, तो ऊपर आने की रफ्तार तो आप देख ही सकते हो क्या गजब की है। तो हमारे हमारे स्टोन कंप्लीट हो गए हैं और ये बस एक लास्ट रह गया है, तो इसको देखते हैं बाद में, क्योंकि सोना भी तो जरूरी है।
तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लैंड हो गए हैं अपने एक्सपी फार्म पे। तो करना क्या है, बस हमें ऊपर बिछा देना है स्टोन। तो उससे फायदा क्या होगा वो बता देते हैं, क्योंकि नीचे अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे से हमें ज़ॉम्बी मिलेंगे जो कि अभी तक मिले नहीं है। और जैसे ही हमें ज़ॉम्बी मिलेंगे और उसको हम जब हम मारेंगे तो उससे हमें मिलेगा एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर करना है। यहाँ पे हमने लगा दिया है ब्रिक स्टोन स्लैब, तो यहाँ पे कम्प्लीट हो गया है लगभग, बस इस को छोड़ के। तो इसको भी जल्दी से हटा देते हैं, माइनक्राफ्ट से उड़ा देते हैं जल्दी से। तो बस इसको तोड़ने के लिए हमें बस पिकैक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो उसी के साथ हमें थोड़ा चिकन की ब्रीडिंग भी करवानी है, क्योंकि हमें फास्ट फास्ट एग मिलेंगे, तो जिससे कि हमारा चेस्ट भी भर जाएगा और हमारा दिल भी। तो हमने अभी तक एग का फायदा देखा नहीं है, तो एक बार देखते हैं। तो इसमें ओ भाई ये क्या निकला, तो ये तो चिकन का बेबी निकला, तो ये तो कोई ज्यादा फायदेमंद चीज नहीं है इसका मतलब। तो जो हम माइनिंग करके लाए थे आयरन ओर, उसको इसमें डाल देते हैं। और हमें बनाना है शील्ड, क्योंकि हमारे पास शील्ड नहीं है काफी समय से। तो मैं सोचता हूँ एक नहीं दो तीन बना लेते हैं, क्योंकि जरूरत तो पड़ती रहती है। तो अपने पास एक रख लेते हैं, बाकी दोनों रख देते हैं चेस्ट में। और रखने का मतलब ये नहीं कि उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने इसका इस्तेमाल कर लिया और देख सकते हो कितनी बढ़िया शील्ड है। और बाकी आप हमारा लीवर भी देख सकते हो जो कि बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, तो सही है, इससे हमें मिल रहा है एक्सपीरियंस। तो लगता है ज्यादा हो गया है, तो इसको करते हैं बंद। तो आप देख ही सकते हो हमारे पास कितने सारे शुगर केन है, जिसका फायदा अभी हम बताते हैं क्या होगा। तो हम जाएंगे लाइब्रेरियन के पास, क्योंकि वो हमें देगा एमरल्ड पेपर के बदले, या कुछ और भी दे सकता है। बाकी शुगर केन थोड़े से यहाँ पे भी है, तो इनको तोड़ लेते हैं। ये शुगर केन वैसे सबसे तेजी से उगते हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अगर मुझे राज पता लग जाए तो मैं अभी सारे शुगर केन को जल्दी से जल्दी उगा दूंगा। तो ये पता नहीं बहुत जल्दी जल्दी उगते हैं, बाकी दूसरे वाले बहुत लेट उगते हैं। बाकी दूसरे कोई है ही नहीं, वो जो फार्म वाले हैं वो तो भाई उनसे तो बस उम्मीद ही छोड़ दो, वो बहुत ही लेट काम करते हैं। तो लगता है ज्यादा बेइज्जती कर दी है हमने फार्म की, तो कोई नहीं फार्म भी ठीक ठाक काम करता है। यहाँ से बनाने हैं हमें थोड़े से पेपर और चलते हैं अपने लाइब्रेरियन के पास। तो इसको देखते हैं कि क्या देता है, ये लेता है, ये देता कुछ नहीं। ओ सॉरी भाई, ओ भाई गलती हो गई, अब तो ये छोड़ेगा नहीं। यार ये ऐसा क्यों होता है भाई, ये भाई बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही ज्यादा गलत चीज है यार। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मेरा सामान मिलेगा नहीं। ओ भाई दोनों ही आगे देख लो। तो कोई नहीं, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे पास कोई ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, 18 था। अरे यार बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था मेरे लिए कम से कम। तो ढूंढते हैं अपना सामान, रोने का कोई फायदा तो है नहीं, तो देखते हैं कहाँ कहाँ पाया जाएगा सामान। तो ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या देता है ये। मल्टी शॉट नहीं चाहिए, वो भी फर्स्ट लेवल का देख तो लो। और ये नहीं लेने वाला बंदा है, तो ठीक है इसको कर देते हैं लेवल 2 पे। तो देखते हैं कौन सा क्या सामान देगा ये लेवल 2 पे, तो वही देगा यार, बेकार सामान है। तो इसके पास देखते हैं, ओके इसके पास फॉर्च्यून 2 है, तो ठीक है जल्दी से ले लेते हैं। और वैसे भी हमारे पास बहुत सारे एमरल्ड हैं, और हमारे पास लाइब्रेरियन भी है जो कि लेवल 2 के हैं, तो हमें इतनी बढ़िया बुक मिलना तो आम बात है। तो मैं भी शायद हमारे पास, हाँ ठीक है, तो हमारे पास 32 एमरल्ड हैं, और उस शायद उसने बुक भी मांगी थी, तो कोई नहीं बुक बना लेते हैं। तो हमारे पास लेदर है 10 और पेजिस तो मेरे पास, ठीक है मेरा 45 है और एक मिनट, हाँ तो ठीक है हम बना लेते हैं बुक। तो सारी बना लेते हैं, जितनी भी जरूरत पड़ेगी सब दे देंगे। तो ठीक है चलते हैं अपने लाइब्रेरियन के पास। तो अरे भाई दरवाजे से खेलना बंद मत कर, अबे भाई तू क्या आदमी है। तो ठीक है हम बाहर तो आ गए हैं, तो बस इसके पास जाना है, तो ये हो सकता है। अरे रुक जाइए आराम से, बस कोई चीरा ना खा लियो भाई तलवार का। तो ये नहीं है, और ये हो सकता है। तो ये कौन सी ले रहा है भाई बुक, प्रोजेक्टाइल और प्रोटेक्शन 4, पता नहीं कौन सी है। तो बाकी तीसरा, ओ भाई तू यहाँ गए, मतलब तू तो बिल्कुल धोखा दे रहा है। ओ यही है, यही है फॉर्चून 2। तो हमें मिल गई है फॉर्चून 2, तो इसको एफिशिएंसी 2 वाली पिकैक्स में लगा देते हैं। तो ठीक है हमारे पास एफिशिएंसी 2 मेंडिंग फॉर्च्यून 2, तो ठीक है इसका फायदा भी दिखा देते हैं। तो जिसके लिए हमने ले लिए हैं थोड़े से आयरन और जो कि हम सिल्क टस से तोड़ के आए थे, तो इसको ऊपर ले जाते हैं और ऊपर इसका थोड़ा एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं कि इससे क्या फायदा होता है जो कि फॉर्च्यून की जो भी है पिकैक्स। तो हमें ले लिए हैं जो कि कोल और हैं, और इसको रख दिया है यहाँ पे, और इनको सबको अरेंज करके रख देते हैं और इनको सबको तोड़ के आपको दिखा देते हैं कि कितने मिलेंगे। तो हमारे पास है 5 आयरन और इनको तोड़ तोड़ के एक बार दिखा देते हैं आपको कि कितने मिलेंगे कोल।
तो देख सकते हो हमारे पास आगे है 11, तो देख ही सकते हो कितना मस्त इसका फायदा है पिकैक्स पे लगाने का। तो सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो अपनी सोच को बदले हो क्या, और आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और क्या, और जो नए मेहमान है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या, और जिसने सब्सक्राइब कर दिया वो बबलू जी को पेल दे और क्या। बिल्कुल। क्या